Redmi Note 10 Pro और Pro Max के लिए एक सुपर स्मूथ रोम का अपडेट आ चुका है, जिसमें आपको MIUI 13 के बहुत सारे नए फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। और ये इतना स्मूथ है कि भाई आपको लगेगा कि आपने अपने फ़ोन के अंदर मक्खन डाल रखा है। लेकिन क्या कुछ नया मिलता है और क्या है प्रॉब्लम इस रोम के अंदर, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ साथ इंस्टॉल कैसे करना है उसके बारे में भी आपको डिटेल मिल जाएगा। तो अगर आप अपने Redmi के Note 4 के अंदर MIUI का ये एक चाइना पोर्ट रोम इंस्टॉल करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करें, और मैं इससे रिलेटेड आपको सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दूंगा कि क्या कुछ आखिर नया यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसे टेक जोन यूनिक की तरफ से पोर्ट किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, बट छोटे मोटे मैंने इशू भी फेस किए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट, ताकि इसी तरह के अपडेट का वीडियो आपको मिल सके टाइम टू टाइम और आप बेनिफिट ले सको। यहाँ पे आप देख सकते हो माई डिवाइस में आपको 12 के जगह उनका खुद का पर्सनल लोगो देखने को मिल जाएगा। और ये जो बिल्ड है 12.5 का 21.6.21, जो कि सबसे लेटेस्ट बीटा है चाइना रोम का। और यहाँ पे अगर ऑल अबाउट पे आते हैं तो आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अभी 1 मंथ ओल्ड सिक्योरिटी पैच है, क्योंकि अभी ऑफिशियली अपडेट हुआ नहीं है सभी डिवाइसेज के लिए। तो नेक्स्ट मंथ शायद या नेक्स्ट टाइम जो अपडेट आएगा उसमें आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे यूकी को ऐड कर दिया गया कर्नल में, जो कि एक अच्छा सा बैटरी का प्रोवाइड करता है और परफॉर्मेंस भी अच्छा प्रोवाइड करता है। बट क्या अच्छा करता है, तो यहाँ पे भी अच्छा कर रहा है या नहीं आगे हम देख लेते हैं। ठीक है, बैक की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ऑलवेज ऑन, जिसमें आपको परमानेंट का ऑप्शन अब मिल जाता है। तो जो लिमिट था उसे हटा दिया गया है, तो ये एक आपको एडवांटेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और चाइना क्लॉक को ये सपोर्ट करता है, तो थीम स्टोर पे जाके अनलिमिटेड AOD को डाउनलोड करके यूज कर पाओगे, तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा। और ये मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि जब भी चाइना होता है तो भाई काफ़ी ज़्यादा क्लॉक्स देखने को मिलते हैं। अभी स्पीड डाउन है, इसकी वजह से ये अभी ओपन नहीं हो रहा, तो इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहाँ पे आपको वही सारे ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलेंगे, जिसमें कोई खास चेंज नहीं है। यहाँ पे आपको पूरा वॉलपेपर पर्सनलाइजेशन देखने को मिलता है, जो कि इंडिया में तो आया ही नहीं है और शायद आएगा भी नहीं। यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर आपको सुपर लाइव वॉलपेपर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे रिमूव किया गया ताकि आपका रोम है जो स्मूथ परफॉर्म करे। लेकिन आप यूज करना चाहते हो तो अलग से इंस्टॉल कर सकते हो उनके APK को, आपको पता ही होगा कैसे करना है। साथ साथ यहाँ पे पहले आपको सुपर लाइव वॉलपेपर देखने को मिलता था, अब यहाँ पे लाइब्रेरी देखने को मिलेगा। बाकी जितने भी फीचर्स है अच्छे से काम करते हैं। डिस्प्ले के अंदर वही आपको देखने को मिलता है कस्टम का, जो कि लेटेस्ट फीचर्स है सनराइज वगैरह का, या टाइमिंग के अनुसार सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है रिफ्रेश रेट, जो कि पहले से 60 पे सेट रहता है, तो आपको 120 करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद जो टच देखने को मिलेगा ना, वो भाई जस्ट मक्खन टाइप का हो जाता है। यहाँ पे साउंड के अंदर आपको AI साउंड देखने को मिलता है MI का, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। और साउंड असिस्टेंट वगैरह भी आपको यहाँ पे वर्किंग देखने को मिल जाएंगे, और बाकी अदर फीचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। साउंड इफेक्ट मेट का खुद का साउंड इफेक्ट दिया गया है, डॉल्बी नहीं दिया गया है, तो मे बी इन फ्यूचर वो भी देखने को मिले, जैसा कि EU के स्टेबल अपडेट में आया था, जो कि मैंने आपको रिव्यू प्रोवाइड किया। बट इस सभी में अभी ऐड नहीं हुआ है, तो मे बी इन फ्यूचर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपको ऐप वेल्ड ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, नेबर वगैरह आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देख पाओगे 3.4 GB फ्री मेमोरी है 6 GB में से, और यहाँ पे कई सारे टैब मैंने ओपन कर रखा है, तो जो रैम मैनेजमेंट है वो मुझे काफ़ी अच्छा खासा लगा है और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो इससे रिलेटेड मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इस रोम की ओर से। यहाँ पे आप देखोगे कि फिंगरप्रिंट, फेस डेटा एंड स्क्रीन लॉक, पहले सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन रहता था, अब 4 ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गए, यानी 4ों का नाम यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जो कि कुछ इस तरीके से चेंज होता है। और MIUI 13 के बारे में आपको पता ही होगा, मैंने कुछ सिस्टम ऐप्स के अपडेट आपको प्रोवाइड किए थे, उसके सिलेक्टेड डिवाइसेज और अपकमिंग फीचर्स के बारे में भी वीडियो दे रखा है, आपने नहीं चेक किया तो चेक कर लेना। तो उसका ये फीचर्स यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जो कि सिक्योरिटी का है, अभी बीटा टेस्टिंग में चल रहा है, इसलिए हमें ये देखने को मिल गया है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है शट डाउन कन्फर्मेशन, अगर आप इसे ऑन कर देते हो और आपका फोन लॉक रहता है, कोई चोरी कर लेता है या फिर उठा लेता है, आपके फोन को रिबूट करना चाहता है तो रिबूट नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिबूट करने के टाइम पे यहाँ पे जो लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी जाके आपके फोन को कोई भी रिबूट कर पाएगा या फिर ऑफ कर पाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड एक छोटा सा नया सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। बाकी यहाँ से आप अपने लॉक स्क्रीन को एक्सेस कर पाओगे अच्छे तरीके से, फाइंड डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे 2 नए ऑप्शन ऐड हो चुके हैं, जो कि इंडिया में अभी नहीं आया है, जिसमें है कि अगर आपका बैटरी लो होगा तो आपका लास्ट लोकेशन सेंड कर देगा, और जब ऑफ होने वाला होगा तब भी आपका लास्ट लोकेशन सेंड कर देगा, इससे पता चलेगा कि आपका फ़ोन कहाँ पे ऑफ हुआ है या खो गया है, तो लास्ट लोकेशन आपको मिल जाएगा कोई अगर आपके फ़ोन को ऑफ वगैरह करता है। तो ये अच्छी चीज़ है। उसके बाद वार्निंग सेंटर आपको मिल जाता है, और क्योंकि वगैरह से रिलेटेड
बाकी सब चीज़ों से, यहाँ पे इमरजेंसी SOS का और यहाँ पे अर्थक्वेक का फिर से, और यहाँ पे आपको फैमिली वगैरह के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं जो कि फैमिली गार्ड है, बाकी वही सारे नॉर्मल से ऑप्शन जो कि पहले देखने को मिलता था, और सिक्योर कीबोर्ड जो कि इनका खुद का है चाइना का, जब भी आप पासवर्ड वगैरह इन करोगे कहीं पे भी तो इनका खुद का कीबोर्ड आ जाता है। तो भाई ये अपने तरफ से खुद को सिक्योर मानते हैं, बट अक्सर डेटा तो इधर से उधर जाता ही रहता है, तो उनका सिक्योरिटी हमारा भाई बैन बजना एक जैसा है। यहाँ पे आपको बाकी वही सारे ऑप्शन मिलते हैं प्रोटेक्शन वगैरह का, जिसमें कुछ खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बैटरी के अंदर जितना भी मैंने यूज़ किया है, बैटरी काफ़ी अच्छा खासा लग रहा है, और इसके पहले भी मैंने एक चाइना पोर्ट रूम का रिव्यू किया था जिसमें लॉन्गर बैटरी देखने को मिला था, मैंने पूरा डिटेल दिया था, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिल जाएगा। ऐप्स के अंदर आपको सिस्टम के एप्लीकेशन को यहाँ पे है जो अनइंस्टॉल कर सकते हो और वापस से जो रिमूव वगैरह भी कर सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे लेटेस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है, जिसे टैप करने के बाद भी आपको हल्का सा इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा वॉलपेपर के ऊपर, तो हर एक एप्लीकेशन पे टैप करते हल्का सा इफेक्ट दिखाई देता है जूम इन एंड जूम आउट का, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से है। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो इसे अनइंस्टॉल कर सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो ये सिस्टम का ऐप है, बट मैं इसे अनइंस्टॉल कर पाऊंगा और ये अच्छे तरीके से अनइंस्टॉल हो भी जाता है। और अगर मैं यहाँ पे आता हूँ होम सेटिंग्स के ऊपर, और जो यहाँ पे क्लासिक है, अगर मैं इसे ऐप ड्रॉअर पे स्विच कर दूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐप ड्रॉअर पे स्विच कर जाऊँ, तो देखते हैं कि क्या देखने को हमें मिलता है। तो नीचे की ओर आ जाते हैं, यहाँ पे सब कुछ है जो पहले जैसे ही देखने को मिल रहा है, ये भी काफ़ी स्मूथ है। और ये जो इसका खुद का रिकॉर्डर है, अगर मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ तो ये भी इजी तरीके से अनइंस्टॉल हो जाता है और उसके जगह दूसरा एप्लीकेशन आ जाता है। तो आप सिस्टम के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हो और वापस से है जो अलग से आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आप उसे रीइंस्टॉल करना चाहते हो तो, क्योंकि यहाँ पे रीइंस्टॉल का ऐसा कोई भी खास ऑप्शन मुझे देखने को नहीं मिला है, और ये एप्लीकेशन को सिर्फ आप ऑन या ऑफ यानी रिमूव और ऐड कर पाओगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। यहाँ पे चाइना पोर्ट तो है, बट एक चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि इन्होंने कई सारे लैंग्वेज के सपोर्ट को ऐड कर दिया गया है, तो आप अपने सपोर्टिव नेटिव लैंग्वेज को यहाँ पे यूज कर पाओगे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लैंग्वेज का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ सही लगा कि इन्होंने ऐड किया है, जो कि हमारे लिए और बाकी जो इसके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको वही टाइमिंग देखने को मिलता है, स्पेशल फीचर के अंदर टूल बॉक्स देखने को मिल जाएगा और गेम टर्बो वगैरह, तो गेम टर्बो में कुछ खास बदलाव नहीं है, बट वॉइस चेंजर और जो स्टॉप वॉच वगैरह का फीचर्स आपको देखने को मिलता था वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जो कि मुझे सही लगा। और रही बात अनटूटू स्कोर, तो पिछला जो मैंने अपडेट चेक किया था उसमें मुझे 3-3 समथिंग का स्कोर देखने को मिला था, बट इस बार 3-0 का देखने को मिला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमर है और बाकी वॉइस चेंजर वगैरह है, और सभी पे नेम देखने को मिलता है जो कि चाइना रोम में हमें दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देख पाओगे 3.3 का इसने हीटिंग गेन किया है और 3% का बैटरी ड्रॉप, और जो यहाँ पे रिजल्ट है ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, मैं यहाँ पे डाउन नहीं कहूँगा, जो कि मुझे सही लगा। सिक्योरिटी ऐप की बात करें तो यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर बहुत सारे आपको शॉर्टकट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, जो कि चाइना रोम में नजर आता है, जबकि ईयू और इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी यहाँ पे जितने भी ऐप्स को ओपन आप करोगे बाकी सब चीज़ों को स्मूथली काम करता है, इससे रिगार्डिंग मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया। अब स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं, तो अगर ये वॉलपेपर चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो प्ले स्टोर है वो सर्टिफाइड नहीं रहता है और ये रोम प्री रूटेड रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो किधर गया, ऐप ड्रॉअर ऑन कर रखा है मैंने, तो ये रहा। तो आपको इसे फिक्स करना पड़ेगा, कैसे फिक्स करना है उसके लिए मैंने वीडियो दे रखा है, आप इजी फिक्स कर पाओगे, उसे आप एक बार चेक जरूर कर लेना। साथ साथ यहाँ पे चाइना रोम होने के बावजूद भी L1 का सपोर्ट दिया गया है, तो आप अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स वगैरह का यूज कर पाओगे, तो ये एक प्लस पॉइंट देखने को मिलता है। ये रहा इसका क्लॉक स्पीड, जिसमें कोई बदलाव आता नहीं है, सेम रहता है। और ये है सिंगल कोर और मल्टी कोर का रिजल्ट, जो कि मैंने वन टाइम में चेक किया था फर्स्ट टाइम, जिसमें ये 5 है और ये 17 है। IQ आते हैं, तो जैसे आप गैलरी ओपन करोगे ये पहले पूछेगा आपसे कि क्लाउड से फोटो किस क्वालिटी में डाउनलोड करना है, वो आपको सेलेक्ट करना है या फिर आप ऑफ करो, उसके बाद ऑल को रखना है या फिर फोटोज को, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और ये है इसका CPU टोटल, जैसा कि मैंने बताया कि UK तो ऐड किया गया बट कैसा परफॉर्म कर रहा है मैं आगे बताऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 81 का रिजल्ट आया है, जो कि थोड़ा सा डाउन है प्रीवियस के चाइना पोर्ट के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हल्का सा कम लगा है। और मैंने यहाँ पे गेमिंग भी किया है काफ़ी अच्छा खासा, लेकिन नॉर्मल से गेम प्ले के बाद ही जो ये एरिया है ना, यानी कैमरे के साइड का जो आगे का डिस्प्ले है, काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाता है और हाथ आपका है जो थोड़ा थोड़ा हीटिंग फील करने लग जाएगा, यानी ज़्यादा लॉन्ग प्रेस करोगे ना तो आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होने लग जाएगा। तो इस बार मुझे हीटिंग देखने को मिला है और ये मुझे ठीक नहीं लगा, ये थोड़ा सा मैनेज होना चाहिए था, जैसे कि ओल्ड वाले चाइना पोर्ट में देखने को मिला था, तो ये छोटा सा मुझे कमी यहाँ पे देखने को मिला है इस पोर्ट के अंदर। बाकी आगे की ओर बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हो ये अनटूटू जो कि मैंने आपको शो कर दिया, और दोबारा मैंने जो यहाँ पे गीकबेंच को ट्राई किया था तो ये जो 5 समथिंग का था अब ये 4.8 का आ गया है, और 17 से ये 14 हो चुका है, यानी परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो चुका है अगर पहले वाले से कंपेयर करें तो। ये आप देख सकते हो ये रहा पहले का 56 और ये 17 है, और दोबारा चेक करने पे कुछ इस तरीके से
डाउन हो जाता है, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग होने के बाद डाउन हो गया है क्योंकि यहाँ पे बैटरी भी थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो जैसे जैसे बैटरी ड्रॉप होता है परफॉर्मेंस भी गिरता जाता है, आई थिंक ये आपको पता होगा। इसके अलावा मुझे एक और इशू देखने को मिला है जो कि मे बी आपको आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, क्योंकि मैंने ईयू का जो स्टेबल अपडेट का रिव्यू प्रोवाइड किया था तो उसमें भी लोग कह रहे थे कि मुझे कैमरा में कोई इशू देखने को नहीं मिला, जबकि मुझे पर्सनली देखने को मिला था। तो इस बार में जो मेरा कैमरा यहाँ पे है दिया गया है, इसमें मुझे जो कलर का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, तो आप अपना पर्सनली चेक करना कि क्या आपको भी कलर का इशू देखने को मिला या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे 0.6x पे जाता हूँ तो आपको व्हाइट ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 1x पे थोड़ा यहाँ पे येलो टाइप का हो गया, 2x पे भी सेम हो गया है। और यहाँ पे मैंने फोटो भी क्लिक किया है तो सेल्फी में कलर ठीक है, और आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे 2x के ऊपर है और यह है 1.6x के ऊपर और ये हमारा 1x के ऊपर। तो कलर का मुझे इशू देखने को मिला है, बट आप मुझे कमेंट करके बताना कि यूज कर रहे हो तो क्या सेम देखने को मिला या फिर आपका सही रहा है। अगर आपका सही है और मेरा प्रॉब्लम है तो भाई मेरे डिवाइस के अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि कस्टम रोम पे मुझे कलर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, तो ये आप प्लीज़ कन्फर्म कर देना। बाकी यहाँ पे जितने भी फीचर्स आपको सारे मिल जाते हैं और इसमें कोई भी कमी देखने को नहीं मिला है। रही बात 64 और 108, तो आप वो सारी चीज़ें यूज कर पाओगे और इससे रिगार्डिंग आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे भी आप देखिए तो हल्का सा कलर है जो डिफरेंट है, क्योंकि ये जो पेपर है ये व्हाइट कलर का है जबकि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कलर का हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे साइज़ की बात करें तो 16MB का साइज़ है और रेजोल्यूशन भी बिल्कुल ही सही है। और यहाँ पे एडिट पे वही सारे फिल्टर्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे जो हमें देखने को मिलते हैं ऑप्शन गैलरी के अंदर, वो सारे ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो इससे रिगार्डिंग मुझे कोई दिक्कत नहीं आया है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर रेट्रो दिया गया है, तो आप इसे यूज कर सकते हो क्योंकि बहुत लोगों का ये फेवरेट है, बट मैं म्यूजिक क्वालिटी यूज करता हूँ, वो मेरा फेवरेट है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता है, इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, APK को अपडेट करना पड़ेगा, जैसे कि आप चाइना वाले रोम में यूज करते हो, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो दिया था। तो इस गेट ऐप्स के ऊपर आना है अगर आपको प्ले स्टोर चाहिए आपके इस रोम के अंदर, तो गेट ऐप्स को ओपन करना है। पहले ये ऐड ही दिखाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐड ये लोग देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आना है और आपको टाइप करना है प्ले स्टोर या फिर गूगल टाइप करना है। आप कुछ भी लिखोगे प्ले स्टोर या गूगल तो आपको प्ले स्टोर नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद साइन इन वगैरह करके आप यूज कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और यहाँ पे जो हमारा स्टेटस बार है ना, ये भी काफ़ी स्मूथ रहता है, तो रोम के स्मूथनेस में मुझे कोई कमी नहीं लगी है, काफ़ी अच्छा है, मक्खन की तरह काम करता है। बस वही है कि थोड़ा सा गेम प्ले करने पर हीटिंग देखने को मिला है और कैमरे के अंदर मुझे थोड़ा बहुत कलर का इशू आया है, बाकी सब कुछ अच्छे तरीके से काम कर रहा है। रही बात कि इसे यूज कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, चलिए उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो फाइल मैनेजर है ये चाइना वाला यूज किया गया है, जो कि MIUI 13 में ऐड होने वाला है, और इसे आप नॉर्मल अपने MIUI 12 में भी यूज कर सकते हो, मैंने डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है। तो यहाँ पे न्यू MIUI 13 का फाइल मैनेजर ऐड कर दिया गया है, जिस पे टैप करके आप स्टोरेज पे स्विच कर पाओगे, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ों को चेक कर पाओगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कोई भी इमेजेस शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एक सेटिंग मिल जाता है जिसके हेल्प से आप रिसेंट से इमेजेस को हटा सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे फोटोज डाउनलोड हो जाते हैं ऑटोमेटिक जो कि यहाँ पे अगर नज़र आ जाए तो बहुत बेकार लगता है, तो आप फाइल मैनेजर में जाके उसे कंट्रोल कर पाओगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करता है, जो कि मुझे यहाँ पे पसंद आया, और इसका UI भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखने को मिलता है। अब डायरेक्ट स्विच करते हैं हम अपने T-Roller पे की ओर, देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। फोन के ऑफ होते ही पावर बटन और वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस करना है, जिससे आपके फोन के अंदर जो आपने ऑरेंज फॉक्स डाल रखा है वो ओपन हो जाएगा। आपको ऑरेंज फॉक्स यूज करना है, किसी और रिकवरी का यूज नहीं करना है। जैसे ही ऑन होता है पावर बटन को लीव करना है और वॉल्यूम आपको लॉन्ग प्रेस रखना है, जब तक ये शो नहीं हो जाए, और शो होता है आप सभी बटन को लीव कर सकते हो। ये है जो आपका इनक्रिप्टेड नहीं रहता है, डिक्रिप्ट रहता है, तो दिक्कत नहीं आएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे वाइप पे जाना है, ठीक है, कुछ भी इंटरनल है तो उसका बैकअप ले लेना, क्योंकि फॉर्मेट करना कंपलसरी है। यहाँ पे मेरा फाइल डाला हुआ नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे फाइल को वापस ऐड कर लिया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसे सेलेक्ट करना है और स्वाइप कर देना है, कोई भी पैच वगैरह आपको यूज नहीं करना है। और एक चीज़ मैंने मिस कर दिया, वो है चार्जिंग स्पीड, तो चार्जिंग स्पीड आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत वगैरह यहाँ पे नहीं आएगा। और यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट क्रोम ब्राउजर डिफॉल्ट देखने को मिलता है, लेकिन उसे पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मल पे आपको वो दिक्कत करेगा, तो अपडेट एक बार जरूर कर लेना। कंप्लीट फ्लैश हो जाने के बाद आपको यहाँ पे होम पे आना है, वाइप पे जाना है, फॉर्मेट डेटा और यहाँ पे यस टाइप करके फॉर्मेट कर देना है। और फॉर्मेट होते ही आपको रिबूट करना है, ये कुछ ही मिनट के अंदर आपके फ़ोन के अंदर बूट कर जाएगा, MI अकाउंट वगैरह एक्टिवेट करके आप सेटअप कर पाओगे। सो आई होप सो गाइज कि मैंने आपको पूरा डिटेल दे दिया है, फिर भी कोई क्वेश्चंस कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हो। और कैमरे के बारे में आप जरूर चेक करके बताना अपना कि आपको कैसा देखने को मिला है कैमरा, कैमरे में क्या आपको सेम कलर का प्रॉब्लम आया है या फिर आपका परफेक्ट काम कर रहा है। अगर आपका परफेक्ट है तो भाई मेरे डिवाइस में कुछ ना कुछ तो लोचा जरूर है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।